हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ पे स्वागत करता हूँ। देखिए कल जो है हम सभी लोग टंकी के क्वेश्चन कर रहे थे, आज टंकी के कुछ और अच्छे अच्छे टाइप के बारे में जानेंगे। देखिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे सवालों पे आते हैं, ठीक है। तो हमने कल टंकी के जो सवाल थे, पाइप एंड टंकी के, वो हमने बहुत अच्छे अच्छे सीख लिए थे, ठीक है। आज हम और अच्छे अच्छे सवाल जानेंगे। देखिए क्या है सवाल, आपकी स्क्रीन पे देखिए सवाल। एक पाइप किसी टैंक को 20 घंटे में भर सकता है, और एक पाइप बी उसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, और सी 15 घंटे में भर सकता है। 20 12 15 कितने घंटे में भर सकता है। हमने क्या बताया, सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। देखिए एलसीएम इसका निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, इसका 60 एलसीएम होगा। कितना एलसीएम होगा, 60। देखिए 20 3 60, 12 5 60, 15 6 60, ये इनकी क्या आ गई, इफिशियंसी क्षमता आ गई। क्या आ गई, क्षमता आ गई। फिर इसके बाद इन्होंने क्या कहा है, जो पाइप सी है 15 घंटे में खाली कर सकता है, ये खाली करता है 15 घंटे में, तो इस पर क्या हम लगा देंगे माइनस, क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे। ये खाली कर रहा है, क्या करता है खाली करता है, ये बेचारे डालते हैं ये खाली करता है, बहुत कम वक्त है। देखिए ये खाली खाली कर रहा है, इसमें क्या हुआ है, पाइप बी हमेशा ओपन रहता है, ये जो पाइप है ये हमेशा ओपन रहता है ऑलरेडी इसका। देखिए ये बी हमेशा खाली ओपन रहता है, खुला रहता है, मेरा चलता रहता है, और ये कहीं चालू होते हैं कहीं बंद होते हैं, कहीं चालू होते हैं कहीं बंद होते हैं। देखिए बी हमेशा चालू रहता है, तो देखिए ये हमेशा 5 पानी डालता रहेगा, और फिर उसके बाद क्या बताया है, ओपन रहता है बी के साथ 1 घंटे, फिर ए के साथ 1 घंटे काम करता है, अल्टरनेट काम करते हैं, कैसे काम करते हैं अल्टरनेट, एक के बाद एक, एक के बाद एक काम करते हैं, तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा। देखिए बी जो है हमेशा खुद चालू रहता है, पहले ए के साथ चलता है, बी जो है पहले ए के साथ चलेगा, बी जो है बी तो हमेशा चालू रहता है, पहले ए के साथ चलेगा। देखिए यहाँ पे बी 5 भर रहा है, यहाँ पे ए 3 भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना पानी गया अंदर, 8 पानी गया, कितना पानी गया 8 गया। अब देखिए दोबारा में क्या हुआ, बी चालू रहता है, अल्टरनेट काम करते हैं, अब ए तो हो गया, अब इसके बाद सी आएगा, अब इसके बाद कौन आएगा, सी आएगा, सी कितना करता है 4 निकालता है, सी कितना करता है 4 निकालता है, तो बी जब सी के साथ जुड़ेगा तो देखिए सी ये निकालता है, बी कितना डालता है 5, सी कितना निकालता है 4, तो कुल मिला के 5 डालेगा 4 निकालेगा, तो कुल मिला के गया कितना, पानी तो एक ही गया, 5 डालो 4 निकालो, 5 डालो 4 निकालो, पानी कितना गया 1 पानी गया, पानी कितना गया 1 पानी गया। तो देखिए यहाँ घंटे 1 घंटे में इसने, मतलब मिनट दिया गया, मिनट घंटे दिया गया, 1 घंटे में इसने 8 लीटर डाल दिया, इन्होंने दोनों ने 1 घंटे में एक ही डाल पाया क्योंकि इसने 4 निकाल नहीं दिया, तो कुल मिला के 2 घंटे में पानी कितना अंदर गया 9 लीटर पानी गया, कितना पानी गया 9 पानी गया, पानी कितना गया 9 पानी गया। अब इसके बाद बताया गया है, पूछा क्या गया है, टंकी कितनी देर में भर जाएगी, कितनी देर में टंकी भर जाएगी। अब एक बात, 2 घंटे में 9 गया है, हमें पानी कितना पहुंचाना है 60, कितना पानी पहुंचाना है 60 पानी पहुंचाना है, तो 9 के करीब कोई संख्या देख लीजिए जो 60 के करीब हो, 9 का देखिए 9 7 63 ज़्यादा हो जाता है, 9 6 54, 6 का इधर गुणा कर दिया 6 का इधर, मतलब 12 घंटे में पानी कितना चला जाएगा 54 लीटर चला जाएगा, कितना चला जाएगा 54 चला जाएगा, 54 60 लीटर मान ली थी क्षमता, तो 54 लीटर चला। अब पानी डालना कितना है, अब बचा है 6 और डालना है तभी तो 60 होगा। अब 6 पानी को डालना है, 6 पानी को कौन डालेगा, अब ए बी डालेंगे, उसके बाद नंबर ए बी का आएगा, ये 8 डालते हैं तो 8 से इसको डिवाइड कर दिया। अगर हम कहते थे 12 लीटर पानी डाल, हम कहते थे 16 लीटर भी पानी डालने को है, और ए बी का नंबर है, ए बी 8 डालते तो 2 घंटे में पड़ जाता 16 लीटर, लेकिन उन्होंने बताया 6 डालना है, जो पानी डालना है और जितना डालता है उसे भाग दे दिया जाता है। जैसे अगर 16 लीटर बचा होता और 8 लीटर डालते हैं दोनों, तो 2 घंटे में डाल लेते हैं 16 लीटर, 6 डालना है 8 डालते हैं दोनों, तो देखिए कितने मिनट में भर देंगे, कितने घंटे में, देखिए 3 और यहाँ पे 4, 2 से काट दिया, 2 3 6, 2 6 8, मतलब इतना समय और लेंगे। इसको अगर मिनट में चेंज करना चाहूँ तो 60 से डिवाइड कर दीजिए, 15 6 60 कितना आ गया 45 मिनट, कितना आ गया 45 मिनट, तो देखिए 12 घंटे तो यहाँ पे चला, 45 मिनट यहाँ पे चला, तो हम कह सकते हैं 12 घंटे 45 मिनट में ये भर जाएगी टंकी, ठीक है। लग गया सवाल, क्या मज़ेदार सवाल था, देखिए समझ लीजिए क्या
क्या था पहले, ए 20 घंटे में भरता है, बी 12 घंटे में भरता है, सी 15 घंटे में खाली करता है। तीनों की क्या निकाल ली हमने, तीनों की निकाल लिया, पहले हमने टोटल निकाल ली उनकी, टंकी कितनी है, कितने की क्षमता है टंकी की, तो 20 से भाग दिया 3 बार, 12 से भाग दिया 5 बार, 15 से भाग दिया 4 बार, ये 4 निकालता है। पहले दोनों अल्टरनेट काम करते हैं, बी हमेशा खुला रहता है, बी हमेशा खुला रहेगा, पहले ए के साथ चलेगा, ए के साथ चलेगा तो 5 और 3 8 डालेगा, फिर बी हमेशा खुला रहता है, सी के साथ चलेगा, 5 बी डालता है, सी 4 निकाल देता है, 5 और 4 9, देखिए 5 ये डालता है, ये 4 निकालता है, तो कुल मिला के पानी कितना गया, एक है तो पानी गया, पानी कितना गया, एक, तो बी माइनस सी कितना डाला, एक, तो यहाँ पे 2 घंटे हो गए, 2 घंटे में पानी गया कितना, 9 लीटर। अब 6 का इधर गुणा कर दिया, 6 का इधर गुणा, 12 घंटे में कितना पानी हो गया, 54 लीटर। 6 पानी और डालना है, अब डालेगा कौन, ए प्लस बी का नंबर आया, ए प्लस बी 8 के हिसाब से डालेगा, देख लो, ठीक है, आ गया सवाल, कितना अच्छा सवाल था। अब देखिए इसके बाद आगे सवाल देखिए, आगे सवाल क्या है, अच्छा सवाल है, आगे देखिए आपकी स्क्रीन पर सवाल, ए किसी टैंक को 3 घंटे में भरता है, बी 4 घंटे में, सी 1 घंटे में खाली करता है, डालते हैं खाली करते हैं, डालते हैं खाली करते हैं, फिर डालते ही क्यों हैं, सीधे खाली कर दें, देखिए क्या है, ये 3 घंटे ही डालता है, ये 3 घंटे, बी 4 घंटे, सी 1 घंटे में खाली करता है, ये 1 घंटे, ये बेचारे डाल डाल के करते हैं, ये 3 घंटे में डाल पाता है, ये 4 घंटे में ये आते हैं सी, और 1 घंटे सब खाली कर देते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये ज़्यादा है, देखिए इनकी क्षमता ज़्यादा होगी, सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम 12 हो गया, 3 चौके 12, 4 3 12, 12 1 12, ये तो सब निकालना जानते ही होंगे, अब तो सब सीख चुके होंगे, हमने इतने अच्छे तरीके से बताया है जो, तो देखिए अब क्या है, ये क्या करते हैं, इनकी क्षमता 12 1 12 हो गई इनकी क्षमता, ठीक है, ये 4 डालते हैं, ये 3 डालते हैं, ये 12 निकालते हैं, क्या करते हैं, ये 12 निकाल देते हैं उतनी देर में, ठीक है। अब इसके बाद क्या बताया है, ए को शाम 3 बजे, बी को 4 बजे और सी को 5 बजे ओपन किया गया, तो टैंक कितने बजे खाली हो जाएगा, इसे 3 बजे ओपन किया गया, ए को 3 बजे, इसे 4 बजे, इसे 5 बजे, देखिए बहुत सवाल हैं जो आप लोगों को ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, सवाल अच्छे अच्छे सवाल हैं जो पूछे गए हैं, वो भी हम देखिए कौन सा लेवल करवा रहे हैं आप लोगों को, SSC का लेवल करवा रहे हैं, अच्छा सा लेवल, अच्छे अच्छे सवाल करवा रहे हैं, देखिए छोटे छोटे सवाल तो अपने आप हो जाएंगे, छोटे छोटे सवाल तो अपने आप हो जाएंगे, हम हार्ड हार्ड सवाल करवा रहे हैं, ठीक है। देखिए इसको 3 बजे खोला जाता है, इसको 4 बजे खोला जाता है, इसको 5 बजे खोला जाता है, तो देखिए 3 बजे इसने कितना डाला, 4 लीटर पानी डाला, 1 घंटे में इतना 4 बजा होगा, तब तक इसने 4 लीटर पानी टंकी में डाल दिया होगा। बी आया है, बी ने क्या किया है, इसने 3 लीटर पानी डाला है, कितना डाला है, 3 लीटर। अब देखिए 4 बजे, 3 से 4 बजे तक 4 लीटर टंकी में पानी गया, अब देखिए बी जो है, ए जो है वो बी के साथ पानी डालेगा, 4 ये डालेगा, 3 ये डालेगा, यहाँ पे देखिए 4 लीटर पानी गया, यहाँ पे कितना अंदर गया, 7 लीटर पानी जाएगा, क्योंकि पहले 4 लीटर गया, फिर देखिए इसमें कितना जाएगा, 4 लीटर तो पहले वाला डालेगा, देखिए ए वाला 4 बजे से 5 बजे तक डालेगा, 1 घंटा ये डालेगा, ये वाला 4 और 3 ये डालेगा, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 डालेगा और 3 डालेगा, देखिए 4 तो इसने पहले डाल लिया, 3 से 4 बजे तक इसने 4 डाल लिया, फिर 4 से 5 बजेंगे तो ये तो ए वाला तो डालेगा और प्लस 3 ये भी डाल देगा 4 से 5 1 घंटे में, तो कुल मिला के 7 यहाँ पे पड़ गया, तो कुल मिला के यहाँ पे पानी कितना पहुँच गया, 11 लीटर पानी पहुँच गया, कितना लीटर पानी पहुँच गया टंकी में, 11 लीटर पहुँच गया। अब इसको खोला गया, अब इसको ये 12 निकाल देता है, कितना निकाल देता है, 12 निकालता है। अब देखिए एक बात बताइए, यहाँ पे क्या होगा, 5 बजे से 6 बजे जब चलेगा, जो आगे टंकी चलेगी तो क्या होगा, ये 4 डालेगा, ये 3 डालेगा, 7 पड़ेगा और निकलेगा कितना, 12 निकलेगा, तो कुल मिला के कितना निकलेगा, 5 निकल जाएगा, 5 फालतू निकलेगा, कितना निकलेगा, 5 ज़्यादा निकालेगा, मतलब ये देखिए 4 डालेगा, ये 3 डालेगा और ये 12 निकाल देगा, इसका मतलब वो 4 और 3 को भी ले जाएगा साथ में, अपने 5 लीटर और ले जाएगा, 4 3 को भी ले जाएगा, 5 अपने साथ में ले जाएगा, इसका मतलब ये 5 ज़्यादा लेकर चलता है। अब ये बताओ, अगर यहाँ पे 10 होता, 10 लीटर टंकी में गया होता और 5 ये ले जाता तो 2 घंटे में खाली कर देता, 5 दूनी 10, और जबकि ये ले के देखिए यहाँ पे 11 है, ये 5 ले जाता है, 5 से इसको डिवाइड कर दिया, 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे 5 दूना 10, फिर उसके बाद कितना बचा, 1/5, ठीक है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, 2 घंटे 1/5 का मतलब क्या हो गया, 60 कर दीजिए, ठीक है, 12 मिनट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 मिनट, तो 2 घंटे 12 मिनट इतना हो जाएगा घंटा, तो देखिए 5 बजे से कितना टाइम और लगेगा, 2 घंटे 12 मिनट, इसका मतलब 7 बजे टंकी क्या हो जाएगी, 7 बज के 12 मिनट पे टंकी खाली हो जाएगी, टंकी खाली हो जाएगी, समझ आया, कितना अच्छा सवाल था, ठीक है, इसको 2-1 बार समझना। अभी देखिए धीरे धीरे तुम्हारे, हमने क्या किया, छोटे से लेवल से बड़े लेवल तक पहुंच गए,
ठीक है। और इसको अच्छे से समझना, दो तीन बार वीडियो देखना, अगर ना समझ में आए इससे पहले वाली वीडियो देखना, सब लोगों को सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे सवाल, देखिए आगे सवाल क्या है, अच्छा सवाल देखिए। एक पाइप किसी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, भरने दो। एक खाली करने वाला पाइप लगा जो 50 लीटर प्रति घंटा बाहर करता है, तो अब टैंक को भरने में 15 घंटे लगते हैं, तो टैंक की कैपेसिटी बताइए, टैंक की क्षमता बताइए। देखिए इनके पास कोई काम तो है नहीं, परीक्षा वालों के पास कोई काम तो है नहीं, ये क्या करते हैं, डालते हैं निकालते हैं डालते हैं निकालते हैं, समय बताओ, इतने बजे डाला इतने बजे निकाला इतने बजे डाला, ये डाला वो डाला, क्यों डाला, देखिए डालते हैं और निकालते हैं, बताओ इसका ये बताओ वो बताओ। देखिए एक पाइप किसी टैंक को 10 घंटे में भरता है, एक पाइप ए है वो कितने घंटे में भरता है, 10 घंटे में भरता है, और एक खाली करने वाला पाइप जो 50 लीटर प्रति घंटा बाहर निकालता है। देखिए अच्छे सवाल है, मिलेगा नहीं ढूंढने से, एसएससी का है सवाल, जो एसएससी में पूछे जाते हैं सवाल वही है। दूसरा पाइप जो है वो 50 लीटर प्रति घंटा निकाल देता है, बाहर निकाल देता है, तो अब टैंक को भरने में 15 घंटे लगते हैं। जब बी को भी हमने मिला दिया, जो निकाल रहा है बी को निकाल रहा है, तो इसे माइनस लगा दिया, ये अब कितने घंटे में करता है, अब 15 घंटे में टंकी खाली होती है, कितने घंटे में खाली होती है, 15 घंटे में खाली होती है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ 30 एलसीएम ले लिया, 10 × 30 और 15 × 30, देखिए क्या होता है, ए 3 लीटर डालता है, और जब बी को मिला देते हैं साथ में, तो 2 ही लीटर डालता है। देखिए ए अकेले 3 लीटर डाल देता है, अब जब बी को साथ में मिला देते हैं तो 2 ही लीटर डाल पाता है, इसका मतलब बी जो है वो एक बी निकाल देता है, क्या करता है, अगर ए 3 लीटर डाल देता है और बी को जब साथ में मिला देते हैं तो 2 ही लीटर पड़ पाता है, कितना पड़ पाता है, 2 लीटर पड़ पाता है। तो इसका मतलब क्या है कि बी जो है वो एक निकाल लेता है, बी जितनी देर में ये 3 डालता है वो 1 लीटर तब तक बाहर निकाल देता है, क्या करता है, 1 लीटर बाहर निकाल देता है, और जब 1 लीटर बाहर निकल जाएगा कौन निकालता है, बी निकालता है, तो इसका मतलब बी की क्षमता कितनी है, एक ही तो क्षमता है बी की, और कर भी क्या सकता है, ये कई क्षमता है, और खाली मूल्य में बीच में घुसा है। देखिए ये बी 1 लीटर निकाल देता है, अब 1 लीटर निकाल देगा कि 1 घंटे में 1 लीटर निकाल देगा, देखिए बी की क्षमता 1 आ गई, बी की क्षमता कितनी आ गई, बी की क्षमता 1 आ गई। अब इसके बाद क्या पूछा गया है, बी की क्षमता 1 आ गई, इन्होंने बताया हमने बताया 1 लीटर निकालता है बी, और सवाल में क्या कहा गया, 50 लीटर प्रति घंटा बाहर करता है, इन्होंने क्या बताया 1 लीटर प्रति घंटा बाहर करता है, तो इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 50 लीटर, एक की वैल्यू कितनी दी गई है, 50 लीटर, क्योंकि 1 लीटर निकालता है, इन्होंने कहा 50 लीटर निकालता है, तो एक को हमने 50 के बराबर कर दिया, और हमें निकलवाना कितना है, ये देखिए 30 की क्षमता पूछी गई, 30 का इधर गुणा कर देंगे 15 00 आ जाएगा, तो कितने लीटर टैंक की क्षमता है, 1500 लीटर, कितनी है टैंक की क्षमता, देखिए कितने मजे से सवाल लग गया, कितना देखिए सवाल क्या है, सवाल में कुछ भी नहीं है, खाली सॉल्व करो, देखिए क्या क्या कह रहा है, सवाल अपने आप सॉल्व हो जाएगा, और सवालों में क्या है। अब देखिए आगे, देखिए सवाल मज़ेदार सवाल, देखिए आगे सवाल है, एक पाइप किसी टैंक को 15 मिनट में भर सकता है, एक पाइप किसी टैंक को 15 मिनट में भर सकता है, बोलिए समझ में आया, दूसरा पाइप 20 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप 20 मिनट में भर दिया, भर दो। एक खाली करने वाला पाइप जोड़ दिया जाता है, जोड़ो, ये ज़रूर शरारती बच्चे होंगे जो एक डालते हैं एक निकाल देते हैं, देखिए क्या करते हैं, एक जोड़ दिया जाता है खाली करने वाला, मान लिया उसको सी मान लिया, तो 28 लीटर प्रति मिनट बाहर कर रहा है, जो 28 लीटर प्रति मिनट में बाहर कर रहा है पानी, कितना कर रहा है बाहर, 28 लीटर प्रति मिनट पानी बाहर को निकाल रहा है, यदि इन तीनों नलों को मिला दिया जाए तो 12 मिनट में भरते हैं, ये तीनों को मिला दिया जाए ए बी और सी जो निकालता है, तो ये 12 मिनट में पूरी टंकी भर जाती है, कितने मिनट में भर जाती है, 12 मिनट में भर जाती है। सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, एलसीएम, देखिए 20 15 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 15 चौके 60 20 3 60 12 5 60, बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब एक बात बताओ, अब एक बात हमें बताइए, ए ने कितना डाला, 4, बी ने कितना डाला, 3, तो कुल मिला के पानी कितना आ गया, 7, यहाँ पे जब ए बी सी को मिला देते हैं साथ में तब पानी कितना जाता है, 5, कितना पानी जाता है, 5 पानी जाता है। एक बात बताओ, जब दो लोग 7 डालते हैं और जब सी को मिला देते हैं तो 5 ही डालते हैं, इसका मतलब सी 2 खींचता है, क्या करता है, सी 2 निकालता है, क्योंकि ये 2 तो 7 डालते हैं, इन्होंने तीनों को मिलाया तो 5 ही पड़ता है, इसका मतलब बी सी क्या करता है, खींचता है अपनी तरफ, सी 2 निकाल लेता है बाहर करता है, इसका मतलब सी की क्षमता कितनी आ गई, सी की क्षमता आ गई 2, सी की क्षमता कितनी आ गई, 2 लीटर प्रति मिनट, कितने 2 लीटर
प्रति मिनट, ये 2 लीटर प्रति मिनट आ गया। अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया 28 लीटर प्रति मिनट, कितना बताया 28। दो की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 28 दे दी गई है, ठीक है, दो की वैल्यू दी गई है 28। तो इसमें बताया गया है टैंक की कैपेसिटी बताओ, टैंक की क्षमता बताओ, कैपेसिटी का मतलब क्षमता, टैंक की क्षमता बतानी है, दो से काट दीजिए 14, तो एक का मान कितना आ गया 14, एक का मान कितना आ गया 14। हमें मान किसका निकालना है 60 का, तो 60 का मान कितना हो जाएगा बताइए, 60 का इधर गुणा किया, 60 का इधर गुणा कर देंगे, 14 × 75 = 84, कितना आ जाएगा 84, 10, कितने लीटर है टैंक की क्षमता। लग गया सवाल, क्या अच्छे से लग गया सवाल, समझ में आ गया, इसको दो एक बार करना समझ में आ जाएगा, कुछ है ही नहीं सवालों में। एक सवाल और देखिए, और देखिए अच्छा सवाल है, क्या है, पाइप ये किसी टैंक को 10 मिनट में, बी 20 मिनट में भर सकता है, ए 10 मिनट में, ए 10 मिनट में, बी 20 मिनट में, 20 मिनट में भर सकता है, एक खाली करने वाला पाइप जोड़ दिया जाए जो 22 लीटर प्रति मिनट की बाहर कर रहा है, अब टैंक 25 मिनट में भर जाता है, अब खाली करने वाला ए प्लस बी माइनस सी, ये भी सेम सवाल जैसे हमने लगवाया था, अब 25 मिनट में खाली करता है। सबसे पहले हमने क्या बताया, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, इसका एलसीएम 100 हो जाएगा, 10 × 52 = 100, 20 × 25 = 100, 25 × 100। अब एक बात बताइए, सी जो है 22 लीटर प्रति मिनट बाहर करता है, यहाँ पर समझिए ए डालता है 10, बी डालता है 5, तो टोटल पानी कितना जाता है 15, और यहाँ पर सी क्या करता है, जब सी को जोड़ देते हैं तो पानी 4 ही जाता है, सी को जब जोड़ देते हो पानी कितना आ जाता है 4 ही जाता है, इसका मतलब सी कितना खींचता है 11 पानी खींचता है, सी कितना पानी, देखिए 2 डालते हैं 15, और जब तीनों को मिला देते हैं तो 4 ही जाता है अंदर, इसका मतलब सी तब तक 11 निकाल देता है, 11 क्या करता है निकाल लेता है पानी, तो सी की क्षमता कितनी आ गई 11 लीटर, और इन्होंने कितना बताया है 22 लीटर, इन्होंने क्या बताया 22 लीटर, तो 11 की वैल्यू 22 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, टैंक की क्षमता 100, तो 100 का मान कितना हो जाएगा 200, देखिए 100 का इधर गुणा किया 100 का इधर, तो कितनी टैंक की क्षमता आ गई 200 लीटर, यही आंसर है, ठीक है समझ आ गया, ठीक है, फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।